हर हर महादेव। हाउ टू फाइंड केदारनाथ हेली टिकट रियल या फेक? अगर आपने केदारनाथ का टिकट किसी और यानी थर्ड पार्टी के माध्यम से बुक कराया और आप ये देखना चाहते हैं कि क्या वो रियल है या फेक है, तो वो आप किस तरह चेक करेंगे? तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि जो आपके पास टिकट है वो ओरिजिनल है या फ्रॉड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, आज का ज़माना ऑनलाइन का है, हर चीज़ ऑनलाइन होती है, तो अब चोरियाँ भी ऑनलाइन होती है। पहले ज़माने में लोग घरों के अंदर घुस के चोरी करते थे, लेकिन अब लोग मोबाइल के अंदर घुस के चोरी करते हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा चोरी हो रही है, जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, वो हो रहा है केदारनाथ धाम के हेलीकॉप्टर टिकट को लेकर। आप सभी को मालूम ही है, जो ये IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के माध्यम से टिकट बुक होता है। इसके अलावा किसी और वेबसाइट से टिकट बुक नहीं होता है। और इन्होंने देखिए इस चीज़ का यहाँ मेंशन भी कर रखा है। गूगल पे आपको ऐसी अनगिनत वेबसाइट मिल जाती है जो आपको हेली टिकट बना के देने का दावा करती है, लेकिन वो सब फ्रॉड है। और काफ़ी सारी फ्रॉड वेबसाइट के लिंक देखिए इन्होंने यहाँ, इम्पोर्टेंट मैसेज जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करके इन्होंने काफ़ी सारी वेबसाइटों के लिंक यहाँ दे रखे हैं। आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके इन वेबसाइट को देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको इन वेबसाइट को नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इनके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हेली बुकिंग से जुड़े एड्स चलते रहते हैं, जिस पे लोग क्लिक करके अपनी टिकट बुक करा लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी आप ऐड देखते हैं, सारे के सारे 110% सब फ्रॉड होते हैं। अगर मान लिया आपकी इस वेबसाइट से बुकिंग नहीं हुई, तो आपकी बुकिंग कहीं से नहीं होगी, यानी कोई भी थर्ड पार्टी आपको बुकिंग करके नहीं दे सकता। या तो आपको ऑफलाइन जाके ही टिकट बुक करना होगा। ऑफलाइन टिकट कैसे बुक किया जाता है, उससे जुड़ा वीडियो देखिए यहाँ मैं दे चुका हूँ। आप चाहे तो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो काफ़ी लोग देखिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमने फेसबुक पे कोई ऐड देखा था और वहाँ से हमने टिकट बुक कराई है, आप ये पता करिए वो टिकट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे PDF टूल आते हैं जिसके माध्यम से लोग आपका नाम उसके अंदर लिख देंगे, उसमें जो आपका बुकिंग ID होता है उसको चेंज कर देंगे, साथ ही साथ QR कोड भी वो बदल देते हैं, ताकि मान लिया आप QR कोड स्कैन करें तो आपको वही ID दिखाई दे जो उस पर लिखी होगी। तो फिलहाल मैं आपको कुछ टिकट दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह इसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये मेरे पास एक टिकट है, जिसमें आप टिकट का टाइटल देखिए क्या लिखा है, हेली पासिंग 21, यानी 21 नंबर है जिसे ठगा गया है। ये एक डुप्लीकेट टिकट है और इसकी आप देखिए बनावट देखिए, यहाँ देखिए लोगो लगा हुआ है, उत्तराखंड का लोगो लगा हुआ है, साथ ही साथ IRCTC का यहाँ लोगो लगा हुआ है, लेकिन अब जो नया टिकट आ रहा है उसमें उत्तराखंड का लोगो नहीं है। साथ ही बुकिंग ID लिखी, QR कोड भी देखिए यहाँ मेंशन कर रखा है। QR कोड की तो बहुत सी वेबसाइट है, आप कहीं से भी अपना QR कोड जनरेट करके यहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ अभी देखिए क्या लिखा है, मतलब पहचानने का क्या तरीका है। यहाँ देखिए लिखा है गुप्त काशी, ठीक है, 12/7/2023, यानी आने वाली जो 12 जुलाई है उसका टिकट है और 9 से 12 का टिकट है। ये बंदा 12 तारीख को पहुँचा रहा है। और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, 9 से 12 का टाइम होता है वो होता है सेम डे, लेकिन ये बंदा आपको 13/7 यानी अगले दिन 3 से 6 के बीच नीचे उतार रहा है। ऐसा होता ही नहीं है, 3 से 6 के बीच रिटर्न कभी भी वापसी नहीं होता है। जो देखिए नेक्स्ट डे का टाइम होता है वो 12 से 3 से 6 होता है। आप चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसे मैंने हर टाइमिंग दिखा रखी है, और फिर अगले दिन मॉर्निंग में 6 से 9 में वापसी आना होता है, लेकिन इस बंदे ने यहाँ टाइम भी मेंशन कर रखा है। पहली कमी तो इसकी ये है, और दूसरी कमी यहाँ देखिए इसने यहाँ हेलीपैड का नाम नहीं लिखा, यानी कौन सी हेली सर्विस से उड़ेगा वो यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है, दूसरी कमी ये है। और तीसरी कमी यहाँ इसने बुकिंग टाइप लिखा है ऑफलाइन। ऑफलाइन जब भी बुकिंग होगी तो इस तरह का मैसेज तो देखिए आएगा ही नहीं, यानी बुकिंग टाइप पे मैं आपको अभी ओरिजिनल भी टिकट दिखाऊंगा, उससे भी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ ऑफलाइन लिखा है, यहाँ स्टेटस इसने कंफर्म लिखा है, ये सब नॉर्मल होता ही है। और यहाँ देखिए इसने ID प्रूफ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, बल्कि अधिकतर जो बुकिंग होती है वो आधार कार्ड के बेस पे होती है।
बाकी सब नाम मेंशन कर रखे हैं, और यहाँ आपको बकायदा सबको जीएसटी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे हमारा सेकंड नंबर का पेज है, जो ओरिजिनल टिकट होता है उसमें आपका हेलीपैड का लिंक भी होता है, वो मैं आपको ओरिजिनल टिकट में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसके अंदर दो पेज है, मेरे पास एक ही टिकट था जो कि डुप्लीकेट है, मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको एक दूसरा टिकट दिखाता हूँ, डुप्लीकेट टिकट। इसमें भी देखिए, इसका टाइटल देखिए, फाटा टू केदारनाथ, यानी इस पर भी केवल टाइटल लिखा है, इस पर भी केवल टाइटल लिखा है। और यहाँ सब कुछ, अभी QR कोड देखिए, यहाँ QR कोड थोड़ा चेंज हो गया है, जो उसमें मेंशन था वो QR कोड दूसरा था। और यहाँ बुकिंग ID भी चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ बुकिंग टाइप जनरल हो गया है। बेसिकली आपको यहाँ बुकिंग डेट पे ध्यान देना है, यानी जिस दिन आपकी बुकिंग खुलती है वही बुकिंग होनी चाहिए। और इस बंदे ने देखिए 6 के 6 बंदे यहाँ लिख दिए, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूरा का पूरा लिखा है, बल्कि रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा कभी नहीं लिखा जाता, जो भी आधार नंबर होते हैं उसके लास्ट के 4 वर्ड शो करता है और बाकी कुछ शो नहीं करता है। और यहाँ देखिए, इसका जो फाटा से टिकट बना है वो 13/7 का बना है और टाइमिंग है 3 से 6। ठीक है, और यहाँ कंपनी का नाम लिखा है, अभी फ़िलहाल ये वाली कंपनी तो है ही नहीं, और जो टिकट है फाटा से तो अभी हेलीकॉप्टर उड़ नहीं रहे, केवल सिरसी और आपका गुप्तकाशी से उड़ रहे हैं। मैं आपको अपना एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, मेरा ये वीडियो है जिसमें मैंने एक खबर दिखा रखी, अभी फ़िलहाल 2 ही कंपनी की हेली सर्विस चल रही है, आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, ये 13 तारीख को बंदा उड़ा रहा है, 13/7 को उड़ाएगा, 3 से 6 के बीच उड़ाएगा, और ये कंपनी है। और देखिए रिटर्न की तारीख देखिए इसने क्या लिखी है, 15 तारीख, यानी 15/7, यानी 13, 14, 15, ये कस्टमर की मर्ज़ी से उनको एक दिन एक्स्ट्रा रुक के अगले दिन वापसी कर रहा है, यानी 15 तारीख में सुबह 9 से 12 के बीच वापसी आना है। देखा आपने, मतलब फ्रॉड की भी एक हद होती है। मतलब आपको अगर टिकट बनाना है, आप सामने वालों को बोलेंगे भैया हमको 4 दिन रुकना है, 4 दिन की बात की टिकट है, तो वो आपको 4 दिन के बाद की भी टिकट दे देंगे, क्योंकि वो सारा का सारा फ्रॉड है। और कभी ऐसा होता ही नहीं कि आपको वहाँ एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़े, यानी आप मान लीजिए आज गए तो आपको अगले दिन मॉर्निंग में वापसी आना ही होता है। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर तो वो आपका टिकट 0 ही हो जाएगा, उसका आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला। तो चलिए ये मैंने आपको फिलहाल दिखा दिया, अब हम नीचे आते हैं। नीचे यहाँ अभी देखिए कहीं पे लिंक नहीं लगा, ये इसका सेकंड पेज है और ये इसका थर्ड पेज है। थर्ड पेज आपका ये ऑफिशियल ऐसे ही होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके अंदर कोई लिंक नहीं लगा है, जो कि मैं आपको ओरिजिनल टिकट में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं आपको ओरिजिनल टिकट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ओरिजिनल टिकट है, और आप इसका टाइटल देखिए, यहाँ टिकट के आगे इसमें बुकिंग आईडी लिखी है, यहाँ पे बुकिंग आईडी लिखी है, और यहाँ देखिए लोगो केवल एक ही लोगो लगा है, एक लोगो यहाँ लगा है। अभी मैं आपको डुप्लीकेट टिकट भी दिखाता हूँ लोगो, ये डुप्लीकेट टिकट है, और यहाँ लोगो देखिए और यहाँ लोगो देखिए। ठीक है, इसके बाद बुकिंग टाइप यहाँ जनरल हो गया, और टाइमिंग देखिए क्या है, ये बुकिंग मैंने खुद से कर रखी है, ये बुकिंग है 28 तारीख को जब बुकिंग ओपन हुई थी, और ये कन्फर्म हुई थी 12:04 पर, और ये बुकिंग है सिरसी से, यानी सिरसी से 7 तारीख का टाइमिंग है, 9 से 12 का टाइमिंग है, ये सेम डे का रिटर्न है। और यहाँ देखिए रिटर्न भी लिखा है सेम डे, देखा आपने, सेम डे इनको वापसी आना है। और यहाँ हिमालयन हेलीपैड लिखा हुआ है, ये फ़िलहाल मैंने आपको दिखा दिया, QR कोड भी लगा हुआ है। अब आप नीचे आइए, अब देखिए नीचे क्या है, ये इन्होंने देखिए हिमालय हेलीपैड की लोकेशन दे रखी है, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ एक्चुअल जो इसकी लोकेशन होगी वो लोकेशन आपके सामने ये देखिए ओपन हो जाएगी। तो ओरिजिनल टिकट में एक तो आपको ये मिलने वाला है, ठीक है, उसके बाद दूसरा पेज ये हो गया, तीसरा पेज ये हो गया, फिलहाल आपको 3 पेज ओरिजिनल टिकट में मिलने वाले हैं। ओरिजिनल टिकट की पहचान मैंने आपको बता दी है। अब आपको मान लिया कोई टिकट दे, तो डुप्लीकेट टिकट का तो सबसे बड़ी पहचान ये कि वो आपको सब कुछ नाम वगैरह सब कुछ चेंज करके देखा ना, तो उससे बुकिंग आईडी लिखी होगी, यानी जो आपको टिकट देगा उस पर आपका यहाँ टाइटल पे आपका नाम लिखा होगा। जैसे ही आपका मान लिया टाइटल पे नाम लिखे तो आप समझ जाना ये डुप्लीकेट टिकट है। और ये देखिए बुकिंग मैंने खुद से कर रखी है, अगर मान लिया कोई मुझसे कहे कि भैया आप भी अपना प्रूफ दो, तो मैं उसे अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखा दूंगा, जैसे कि मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ये IRCTC की वेबसाइट है, तो यहाँ मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, मैं बुकिंग पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ देखिए ये बुकिंग आईडी वही बुकिंग आईडी है जो कि मैंने वहाँ बुक कर रखी है, और
यहाँ आप टाइमिंग देखिए 7 तारीख है और मॉर्निंग में 9 बजे का टाइम है, 9 से 12 वापसी भी आपका सेम डे है। तो मान लीजिए आप किसी से बुकिंग कराएं तो आप केवल इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी मांग सकते हैं। और यहीं पर देखिए डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है, प्रिंट टिकट का भी ऑप्शन है, डाउनलोड टिकट का भी ऑप्शन है, इनवाइस का भी ऑप्शन है, सारे के सारे ऑप्शन आते हैं। जो आपका ओरिजिनल टिकट है उसकी बस पहचान सबसे बड़ी ये होती है कि जब बुकिंग खुलती है वही टाइमिंग उससे पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जो उस पर रिटर्न है, रिटर्न का टाइम है, वो उस पर देखिए मेंशन नहीं होता है। सेम डे वाला भी उस पर कोई टाइमिंग मेंशन नहीं होता है। और साथ ही साथ हेलीपैड का लिंक होता है, साथ ही साथ हेली कंपनी का वहाँ नाम भी लिखा होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से बुकिंग कराते हैं आप ऐसे किसी ऐड पर क्लिक ना करिए, क्योंकि कोई भी आपको बहुत ही आराम से बेवकूफ़ बना के आपको चूना लगा सकता है और आपके पैसे आपकी मर्जी से ही लूट सकता है। अगर कोई आपको जेन्युइन बंदा टिकट बुक करके देगा तो वो आपको अपने अकाउंट का प्रूफ भी दिखा सकता है। हालांकि मैंने जितनों के भी टिकट बुक किए हैं आज तक किसी ने उससे कोई प्रूफ नहीं मांगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ कई साल से जुड़ा हूँ और इसी तरह मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित हुआ होगा जो ऑनलाइन टिकट बुक किसी थर्ड पार्टी से करवाते हैं, खासकर गूगल पे या फेसबुक पे ऐड देके कराते हैं और उनको अब तक काफ़ी ज़्यादा चूना लग चुका है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करिए, क्योंकि मेरे पास अब तक कम से कम आप यकीन मानिए 30 से 40 डुप्लीकेट टिकट पड़े हैं जो लोगों ने मुझे बता रखा कि भैया हमारा 30,000 का लॉस हो गया, हमारा 1.5 लाख का लॉस हो गया। मतलब काफ़ी भयंकर लॉस उन लोगों को है, लेकिन लोग हैं कि सुधरते नहीं हैं। उनको लगता है कि वो किसी थर्ड पार्टी से टिकट बुक करा के केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बुकिंग करनी है तो केवल इकलौती यही वेबसाइट है जिसके माध्यम से हेली बुकिंग होती है। और अभी इस पे जो बुकिंग है वो 31 जुलाई तक सारा फुल हो रखा है। 31 जुलाई के बाद अगस्त की बुकिंग जुलाई के लास्ट वीक में ओपन होगी। अगर आपको बुकिंग से जुड़ी अपडेट चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको अपने उस ग्रुप में ऐड करूँगा जिसमें मैं बुकिंग से जुड़े अपडेट डालता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।